रेड जगह इतनी पसंद आ रही है कि शब्द काफी नहीं है बयां करने के लिए अपनी खुशी को। ये जगह बहुत ही खूबसूरत है, इंतहा खूबसूरत है। आप जिस भी मौसम में आए, जिस भी महीने में आए, आपकी जगह अचंभित करेगी, सरप्राइज करेगी अपनी अलग अलग नज़ारों से। अब जरा इस फूल को देखिए, आप क्या कहेंगे इसके बारे में, है ना कमाल। वो कुछ आई एम रियली लाइकिंग दिस प्लेस, आपको भी अच्छा लगेगा, पाइए जरूर। वैली फ्लावर का ट्रैक आपका वेट कर रहा है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट करिए कैंपिंग ट्रैवलर इंडिया पे। फिर हम लीजिए, आई गॉट अनदर सरप्राइज। लुक, ये सब ग्लेशियर आया। आप आगे बढ़िए तो सही, आप देखिए तो सही, कुछ ना कुछ नया मिलता ही रहेगा आपको। ये देखिए, ऐसे ग्लेशियर को हम पार करके पहले एंटर कर रहे थे और शायद ऐसे एक ग्लेशियर को पार करके हम थोड़ी देर बाद कहीं से तो एग्जिट कर रहे होंगे। क्रॉस कहाँ से करना है वो देखने वाली बात है। जी मैं तो बर्फ पर चढ़ गया, रूट कोई भी लोग जो गए हैं यहीं से गए हैं, क्योंकि उनकी छड़ी के निशान तो मैं देख पा रहा हूँ, दो पाँव के निशान थोड़े बहुत ही नजर आ रहे हैं यहाँ पर। इस तरह से आप जाते हैं क्लाइंब करते हुए। बहुत खूबसूरत जगह है, दिल खुश हो गया मेरा तो यहाँ के। एनीमोन कहते हैं इस प्लांट को, इट्स नाइस। यहाँ काफी है, ये पहले नहीं दिखे, सिर्फ इधर ही है, उस अभी स्टार्टिंग है। अच्छा, मुझे इनका कहना है कि मिड जुलाई मिड अगस्त में फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है, बिगनिंग है। ये देखिए कितना प्यारा फ्लावर, ये छोटे छोटे, aren't they pretty? छोटा सा प्लांट है, छोटे छोटे लीव्स हैं और ऊपर खिला हुआ फूल। क्या नेचर सरप्राइज नहीं करती, हर कदम पे करती है। इस फ्लावर को देखो, वो तो प्रीटी है। कैमरा को जूम करता हूँ, ये देखिए इस फ्लावर को देखिए, ये देखिए। और ये मेरा फेवरेट है, छोटा सा येलो कलर का, ये देखिए। आई जस्ट लव दिस प्लांट, लुक एट द ब्यूटी, इज़न्ट इट ग्रेट। ओह गुडनेस, मैं इस फ्लावर को कब से ढूंढ रहा था।
तक नहीं। अगर आप के बच्चों की छुट्टियाँ आ गई हैं तो अभी आ जाइए, यहाँ इस वक्त भी बहुत कुछ है देखने के लिए, दिखाने के लिए, सुनने के लिए, सुनाने के लिए। क्या सुनेंगे? ये बहता हुआ पानी, चिड़ियों की आवाज़, चलती हवा की आवाज़। सैड है, अगर आप परेशान हैं तो भी आपको स्माइल दे सकते हैं, आपका स्ट्रेस लेवल कम कर सकते हैं। शायद यही वजह है कि हम घरों में भी प्लांट्स, फ्लावर प्लांट्स उगाते हैं। अब ये देखिए, किसका दिल नहीं करेगा उन फ्लावर्स को देख के अपना दिल खुश करने का, किसका दिल खुश नहीं होगा इन फ्लावर्स को देख कर। सफ़ेद रंग के फ्लावर्स तो बहुत खिले हैं, जगह जगह पर है, और थोड़ा आसमान में आप देखो तो पिक्चर परफेक्ट, जिसको मैं बार बार बोलता हूँ, घरों में लगी सीनरी में हम लोग इन चीज़ों को देखते थे। आज कुदरत ने और इस ट्रैक ने मुझे मौका दिया इस खूबसूरती को, इस सीनिक ब्यूटी को अपनी आँखों से देखने का और आप लोगों के साथ शेयर करने का। बहुत सारे खूबसूरत जगह हैं। देखिए मेरा फेवरेट फ्लावर है द स्काई ब्लू, आपने नहीं देखा होगा ना अभी तक। आप जरा इस प्लांट को देखिए, बहुत छोटा है साइज में, बहुत छोटा है, मिनिएचर जैसा। अब आप देखिए इसको, कैन यू सी दिस? इजंट इट प्रीटी? वो येलो, इसके बारे में क्या कहना है कोई जवाब आपके पास इसकी खूबसूरती का? अलग ही बात है। ये देखिए, नोटिस करिएगा कितने फ्लावर्स के लिए एक ही पौधे के ऊपर। तो लीजिए दोस्तों, यहाँ करके हमारी यात्रा वैली ऑफ फ्लावर्स की ख़त्म होती है। हम लोग आपको लेकर आए इस खूबसूरत जगह तक। थोड़ा सा ट्रैक और है, वो रिवर पॉइंट, आप जाना चाहिए तो जाइए, आपके पास टाइम और एनर्जी पे डिपेंड करता है। एक्चुअल में जो आपको दिखाया मैंने यही वैली ऑफ फ्लावर है, ये 5 किलोमीटर जो स्पैन है पीछे से शुरू होता है जहाँ मैंने आपको वुडन ब्रिज दिखाया और जाते हुए वो रिवर पॉइंट तक जाता है। 6 किलोमीटर जाके एक जगह और है, उसका नाम मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले। बस इस पूरी वैली
वैली में आप आइए, घूमिए फिरिए, बैठिए, नेचर के नज़ारों का मज़ा लीजिए और परफेक्ट सेल्फी पोजल्स, परफेक्ट फैमिली फ़ोटो। ये वैली ऑफ फ्लावर है दोस्तों, ये है। थोड़ी बहुत जानकारी एक बार एंड पॉइंट पे आपके साथ शेयर करूंगा। ये एंड है, ऑफिशियल एंड है वैली ऑफ फ्लावर के इस जानकारी से भरे हुए, नज़ारों से भरे हुए ट्रिप का। तो मिलते हैं दोस्तों टूर ख़त्म होने के बिल्कुल लास्ट में। यहाँ से मेरी वापसी की जर्नी शुरू होती है, सेम रूट है, तो दोबारा नहीं शूट कर रहा हूँ। कोई अच्छी जगह लगेगी, कोई नई जानकारी होगी तो शूट करूँगा और आपके साथ शेयर करूँगा वापस वीडियो के बीच में ही। मिलते हैं ओली में, कल का डेस्टिनेशन है ओली। इस पे कोई फिसल गया था ऐसा बोला जा रहा था, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं होती है। इनफैक्ट ये टेक्निक की बात है, आप अगर प्रैक्टिस्ड हैं, आप अगर सीख गए हैं तो आपको किसी भी तरह के टेरेन में चलने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप सीखिए तो सही, आप करिए तो सही, आप डरे ना, आप छोटे से स्टार्ट करिए, प्रैक्टिस करिए और करते जाइए, बढ़ते जाइए। तो इस ग्लेशियर को मैं अभी क्रॉस करने वाला हूँ। सुबह भी मैंने इसको क्रॉस किया था, जाते हुए अब मैं वापसी में आते हुए इसे क्रॉस कर रहा हूँ।